साउथ जिला पुलिस ने राजधानी दिल्ली से साउथ डिस्ट्रिक्ट के पंचशील फ्लाईओवर पर 16 अक्टूबर को दिनदहाड़े हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों वही शातिर बदमाश हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों बदमाश अभिनव जो यह संगम विहार का रहने वाला है और संदीप जो कि इंदिरापुरी का रहने वाला है। जिला उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इन दोनों को स्पेशल स्टाफ की टीम ने महज 24 घंटे के अंदर दबोच लिया। 16 तारीख को यानी कल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, एक व्यक्ति ने FIR लॉन्च करवाई कि जब करीब 12:30 बजे वो अपने ऑफिस से, ऑफिस उनका भिकाजी कामा प्लेस में है, मिस्टर पवन नाम है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते, जब वो अपने ऑफिस से अपने घर फरीदाबाद की ओर जा रहे थे तो बीच में पंचशील के आसपास फ्लाईओवर के आसपास दो लड़कों ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि उनकी गाड़ी का जो ऑयल है वो लीक कर रहा है। उसको चेक करने के लिए दोनों व्यक्ति, वो और उनके ड्राइवर, नीचे उतरे और जब उन्होंने चेक किया तो बाद में जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने पाया कि उनके जो दो बैग्स थे, ब्रीफ केसेस थे, वो गायब थे। इनिशियली जो कंप्लेंट उन्होंने रजिस्टर करवाई, वो उन्होंने थेफ्ट की जो FIR रजिस्टर करवाई उसमें ये बताया कि 1,00,000 रुपये कैश, करीब 50,000 रुपये की फॉरेन करेंसी और उसके अलावा दो कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी। वहाँ से हमने अपने ऑफिसर्स, स्पेशल स्टाफ और हॉस्पिटल थाने की टीम को एक्टिवेट किया और वहाँ से CCTV फुटेज के आधार पे और क्रूशल क्लू जो उन्होंने ये दिया कि एक सिल्वर कलर की बाइक उन्होंने देखी, जो दो लड़के बैठे हुए थे उस बाइक पे, उन्होंने दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, तो सिल्वर कलर की जो बाइक थी उससे आइडेंटिफिकेशन हुआ उन लड़कों का और 24 घंटे के अंदर इस वारदात का पर्दाफाश हुआ है। और रिकवरी में करीब 70,00,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी की जो डिनोमिनेशन है, काफ़ी नोट्स उसमें रिकवर हुए हैं और दो गोल्ड चेन्स भी हमने रिकवर किए हैं। ये जो दोनों क्रिमिनल्स हैं इनकी शायद अभिनव और संदीप के नाम से हुई है। अभिनव जो है वो संगम विहार का ही रेजिडेंट है और करीब 22 साल का है और संदीप जो है वो इंदरपुरी का रेजिडेंट है। इन दोनों के जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उनको चेक किया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 70,00,000 कैश और अधिक मात्रा में फॉरेन करेंसी व दो गोल्ड चैन के साथ वारदात में उपयोग बुलेट बाइक को बरामद कर लिया है और दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। विजय कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।